हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स है ना, उसके बारे में पढ़ा था, जिनका रिएक्टिविटी ऐसे मेटल का एवरेज रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है ना बहुत कम। ठीक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी, यानी ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत टॉप पे आते हैं और मतलब वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, मतलब सभी एलिमेंट से कुछ भी उसके सामने रहेगा उससे वो रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल रहेगा डेफिनेटली, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हो तो तुरंत वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उससे बॉन्ड बना लेंगे। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स के बारे में बात हो रही है कि इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इनको कैसे मिनरल में से या ओर में से निकाल कर सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनको जो सेपरेट करने का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी मेथड से अलग होगा, है ना। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कुछ जो टॉप के मेटल्स हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, और भी है ना, ये कुछ मुख्य हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब जैसे कि पिछले मेथड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी मेटल था, मान लीजिए कोई और था, है ना, जैसे जिंक का पढ़ रहे थे, तो कोई भी और था उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, यानी रोस्टिंग कर रहे थे, तो वो ऑक्साइड में बदल जा रहा था, और फिर वो जो ऑक्साइड में बन रहा था प्रोडक्ट हमारा पहले स्टेप में, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कोक कार्बन से हीट करके रिड्यूस कर रहे थे। रिड्यूस करने का मतलब ये ऑक्सीजन खींच लेगा अपने पास कार्बन, और हमारा जिंक या रिक्वायर्ड जो मेटल है वो फ्री हो जाएगा, यानी हमको ऑलमोस्ट प्योर मेटल जैसा मिल जाएगा, है ना। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ये मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जिंक और कुछ और मेटल्स का पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं तो उसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है कि जो हमारा ये सब मेटल्स हैं ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली डोनेट करते हैं, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है और उसके सामने कार्बन कुछ नहीं है, है ना, कार्बन तो बहुत ही वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कंपेरिजन में ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना लेगा और टूटेगा नहीं। जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगा इन सब किसी भी मेटल का, वो टूटेगा नहीं, तो रिडक्शन होगा नहीं, तो हमको मेटल मिलेगा नहीं। तो ये जो पिछले केस में हम लोगों ने पढ़ा था वो केस यहाँ हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल के केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ये सब बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे जो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कार्बन का रिडक्शन या कोक से जो रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड का, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म बाय सच हाई रिएक्टिव मेटल्स विद ऑक्सीजन इज वेरी स्टेबल, हेंस इट विल नॉट ब्रेक बाय द कार्बन, दैट्स वाई सच काइंड ऑफ पैटर्न विल नॉट बी फॉलोड बाई दीज हाई रिएक्टिव मेटल्स। ये हाई रिएक्टिव मेटल्स में ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा जो हम लोग पिछले केसेस में पढ़े थे, है ना। तब यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ पे देखा गया कि हाई रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनके मान लीजिए कुछ और हैं हैलाइड के फॉर्म में, कैसे हैलाइड, यानी कि मान लेते हैं ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, ये इस फॉर्म में हमको मिला, रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं, है ना, ये हमारा है रॉक सॉल्ट, ठीक, ये हमारा रॉक सॉल्ट है, ये हमारा ओर है सोडियम का। अब इसको करेंगे क्या, इसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद होगा क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, या अभी हम लोगों ने इस साल भी एसिड बेस चैप्टर में भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, जब कोई जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का लिसिस होना, टूटना है, जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह चला जाएगा, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लीजिए ये जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं अगर इनका और कुछ इस प्रकार का है, जैसे सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का और मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा सोडियम आयन और साथ में क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है,
अब इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है? इलेक्ट्रोलिसिस के क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो ओर मिलेगा उसमें से गंदगी वगैरह साफ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एनरिचमेंट सर सारा प्रोसीजर करेंगे, गैंग वगैरह उसमें से गंदगी सारी साफ करके फिर जो हमारा ओर है उसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड का जो ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है वो 800-900 डिग्री, 800-900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना? तो सोडियम क्लोराइड को उतने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, फिर वो मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद क्या करेंगे, उसको एक सेल में डाल देंगे। सेल का मतलब है कि छोटे छोटे सेल नहीं है, तो बड़े लेवल पे सोडियम वगैरह निकाला जाता है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उसमें ये सारा प्रोसीजर किया जाता है, जिसको हम लोग छोटे में समझ रहे हैं, एक छोटे से कंटेनर समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको मान के चले कि बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसमें हजारों टन ये हमारा ओर वगैरह रहता है, पिघले हुए रूप में रहता है ना? तो यहाँ पे केवल हम लोग छोटे फॉर्म में समझ रहे हैं इसको। तो ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, है ना? दो इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है? अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है इसको थोड़ा ऊपर वायर ले जाते हैं, यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह लगा देते हैं, कोई समस्या तो नहीं है, पावर का सोर्स बैटरी लगा देते हैं, स्विच वगैरह भी यहीं पर लगा देते हैं, है ना? तो ये हमारा स्विच ऑन कंडीशन है, ये हमारा एक सेटअप बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो सॉल्ट होता है या कोई भी कंपाउंड होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन पे ब्रेक होता है, उस तरह के सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग मेटल के केस में सबसे सुटेबल मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस करना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, स्ट्रॉन्ग या हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को इसी मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है? और कोई मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक? बेस्ट सुटेबल मेथड यही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक सर्किट बना दिया, अब इसमें क्या है, इसमें ये जो डॉट डॉट है ये मान लीजिए कि इसमें भरा हुआ है हमारा NaCl, ठीक है? पिघला हुआ, मोल्टन है, पिघला हुआ है। जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तो NaCl ऐसे ही रहेगा, सोडियम क्लोराइड, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होगा तो अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, Na+, Na+, Cl-, है ना? तो ऐसे ढेर सारे, जैसे इसको पिघलाएंगे 800-900 डिग्री सेल्सियस के आसपास जितने पे ये मेल्ट होता है, वैसे ही इसके आयन्स सेपरेट हो जाएंगे, है ना? तो ढेर सारे सोडियम और क्लोराइड आयन इस सोलूशन में फैले रहेंगे, और ये पूरा एकदम स्टिकी गाढ़ा सोलूशन रहेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें है, इसमें पानी नहीं डाला गया है, तो ये पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड हमारा ओर है। अब जैसे इस ये सर्किट बनाकर स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करेगा तो ये पिघला हुआ जो सोडियम क्लोराइड है इसमें से जो आयन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसा आप पहले से जानते होंगे, है ना? कि ये देखिए हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है ना, नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको एक बल्ब हटा देते हैं, बल्ब की जरूरत नहीं। जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है वो एनोड है, ठीक है? ओके, तो ये जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा सारे के सारे पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकने लगेंगे, है ना? यहाँ पे जाके चिपकने लगेंगे, अटैच हो जाएंगे, और जितने नेगेटिव आयन हैं वो पॉजिटिव वाले पे चिपकने लगेंगे, समझ रहे हैं? यानी अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इस मेथड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है? तो देखिए ये सोलूशन है ना, इसमें है सोडियम और क्लोराइड, ओके? अब सोडियम आयन जो है इसमें घूम रहा है, जैसे ही करंट मतलब अभी स्टेबल है इसी में, जैसे ही करंट ऑन किए, स्विच ऑन किए, ये सोडियम आयन किधर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके अटैच होगा। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से जुड़ा है तो यहाँ पे इस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहेंगे, है ना? नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड के सर्फेस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सोडियम आयन गया
इलेक्ट्रोड के पास, वहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है मतलब, और जैसे इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला प्लस को कैंसिल कर देगा और हमको मिल जाएगा प्योर सोडियम मेटल, है ना। अब इस पर कोई चार्ज नहीं, यानी ये सॉलिड फॉर्म में बन गया। ऐसे ही लाखों हजारों सोडियम आयंस मूव करेंगे और इस इलेक्ट्रोड पे जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर हमारा पॉजिटिव आयन या सोडियम आयन कहाँ पे, कैथोड पे रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड वाले एरिया पे ये हो रहा है, ठीक है। ये कैथोड पे हो रहा है, कैथोड पे सारा पॉजिटिव आयन जा रहा है, और कैथोड चूंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो निगेटिव टर्मिनल दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इसके पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही पॉजिटिव आयन आए यहाँ पर पहुँचेगा इसके सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन लेगा और सीधे वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से ढेर सारा सोडियम मेटल हमारा इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लोराइड जो रहेगा क्लोरीन आयन वो इस पे आ जाएगा, है ना। तो क्लोरीन किस पे आएगा, एनोड पे, तो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ प्लस आयन निकलते रहेंगे, है ना, यहाँ पर रहेंगे प्लस आयन, ओके। तो प्लस के आयन यहाँ पर हैं तो उससे क्या होगा, तो हमारा क्लोरीन जो है वो ठीक है, ये दो के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आयन है क्लोरीन, क्लोरीन आयन हमारा है, और यहाँ पे Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, ये देखिए एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयन जाएगा, दो क्लोराइड आयन जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन स्टेबल नहीं होता है, है ना। क्लोरीन जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है, या तो आयनिक फॉर्म में रहेगा किसी मेटल से जुड़ जाएगा, या फिर अगर अकेला है मतलब अकेला होने के बजाय वो डबल मिक्स हो जाता है, वो क्लोरीन गैस बना लेता है Cl2, ठीक। तो दो क्लोर मतलब मान लीजिए इसमें लाखों की संख्या में क्लोराइड आयन है, सब इस एनोड की तरफ जाएंगे, है ना, और एक बार में दो क्लोराइड आयन जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। दो क्लोराइड आयन यहाँ पे चले जाएंगे, दैट मीन्स क्लोराइड आयन चले गए, यानी कि क्लोरीन गैस में दो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, है ना। क्लोरीन गैस में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में, तो यहाँ पे हमारा क्लोराइड आयन इकट्ठा हो गया, ठीक। और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ दें तो क्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्लोरीन गैस है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड रिडक्शन मेथड है, जहाँ पे हमको मेन देखना है कि मेटल हमारा, मेटल आयन या मेटल कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कैथोड पे, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, पॉजिटिव आयन जा रहा है निगेटिव टर्मिनल पे कैथोड पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उस, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमारा पॉजिटिव आयन मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है कैथोड पे, और जो नेगेटिव आयन हमारा है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड हो गया, क्लियर है ना। अब इसके अलावा तो ये जो ये देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड था, और इसमें हमारा सोडियम एक स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव मेटल था, तो हाईली रिएक्टिव मेटल को इसी तरह से उसके जो भी ओर रहेगा साफ सुथरा ओर, उसको मेल्ट करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसको भरेंगे, और फिर सर्किट ऑन कर देंगे, तो हमारा जो मेटल आयन जो भी रहेगा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जो भी, वो हमेशा कैथोड की तरफ मूव करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमको उसके सरफेस पे ढेर सारा मोटा लेयर बन जाएगा, है ना। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पे मोटा सा लेयर बन जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक ये प्रोसेस होगा, तो सारा मेटल आयन इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको स्क्रब करके निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो इस मेथड से हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है मतलब वो ओर हमारा टूट रहा है, देन फिर वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, वहाँ पर उसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से बाकी कोई भी हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल रहेगा वो भी
इसी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड के द्वारा ही सेपरेट आउट किया जा सकता है। ओके चलिए, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होगा ये जानना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रिफाइनिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग, इसको बिठा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिफाइनिंग है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता जुलता है, ठीक है। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग का मतलब आप जानते होंगे, किसी चीज को साफ करना, रिफाइन करना, दोबारा बार बार उसको फिल्टर आउट करके उसमें से गंदगी रिमूव करना ताकि हमको साफ सुथरा शुद्ध मटेरियल मिले, ठीक है। तो रिफाइनिंग मीन्स किसी चीज़ को साफ करना। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने मेथड पढ़े हैं, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल हो या लो रिएक्टिविटी मेटल हो या मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल हो, कोई भी किसी भी ताकत वाला मेटल हो, वो हम लोग अलग अलग मेथड से उसको मेटल को प्राप्त कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन के माध्यम से पढ़े भी थे, है ना, कहीं कैल्सिलेशन मेथड से, कहीं रोस्टिंग मेथड से, है ना, तो कहीं पे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से। तो कई सारे मेथड यहाँ पर हैं जिससे हम लोग मेटल प्राप्त करें, लेकिन वो मेटल जो मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं रहता है। इतने लंबे रिएक्शन के बाद भी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी का मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन तब भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, यानी उसको फाइनल रिफाइनिंग करना ज़रूरी है। जितने भी मेटल हमको प्राप्त हुए अलग अलग मेथड से, फिर उनको रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके हमको ऑलमोस्ट प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग को पढ़ना है रिफाइनिंग मेथड में, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जितने भी मेथड से हमको मेटल मिले हैं अलग अलग रिएक्टिविटी वाले के, उन सभी को हमको रिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मेटल जो है शुद्ध मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो रिफाइनिंग मेथड हमको समझना है, छोटा सा मेथड है ना, ठीक है। तो रिफाइनिंग मेथड, रिफाइनिंग जो करना है मेटल का, उसके लिए एक पार्टिकुलर मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड पढ़े थे, जस्ट उसी के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मेटल्स का जितने भी तरीके से हम लोगों ने मेटल प्राप्त किया है अलग अलग तरीके से, उनको प्योरीफाई करना, उसमें बची कुची गंदगी को भी हटाना रिफाइनिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसको रिफाइन किस मेथड से करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। इस मेथड से मोस्ट ऑफ द मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या, इसको डायग्राम बना लेते हैं। सेम वैसे ही बहुत बड़ा कंटेनर रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा, और उसमें दो इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये मान लीजिए हमारा कंटेनर है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कुछ छोटा करते हैं। तो ये कोई कंटेनर हमारा है, काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर तैयार हो गया है, ओके। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड रख देंगे, दो इलेक्ट्रोड रख दिए, ये गड़बड़ हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रोड चौड़ा है और एक पतला है, इसका क्या रीजन है उसको भी समझ लेंगे, है ना, ठीक है। अब उसके बाद वही एक स्विच वगैरह लगा देंगे, और फिर उसके बाद कौन से टर्मिनल को जोड़ना है, नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस एंड माइनस एंड,
ओके पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड नहीं एनोड, एनोड। और नेगेटिव से जुड़ा है तो ये हमारा कैथोड, ठीक है। ओके तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड हम लोग समझने जा रहे हैं, जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मेटल हम लोग को प्राप्त हुए अलग अलग केमिकल रिएक्शन को करके उसको प्योरीफाई या फाइनली फाइनल बार उसको साफ करते हैं ताकि हमको ऑलमोस्ट प्योर मेटल मिल जाए, मतलब प्योर मेटल ही मिल जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है देख लेते हैं। हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड जो लिया जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो काफ़ी मोटा लिया, चौड़ा, ठीक है, वो बहुत चौड़ा और मोटा लिया, जिसको एनोड बना दिया। एक हमने इलेक्ट्रोड लिया काफ़ी पतला लिया, वो कैथोड बना दिया, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। अब इस मेथड में होता क्या है कि मान लीजिए हमको कोई मेटल को प्योरीफाई करना है, तो किसी मेटल का जो शुद्ध रूप है ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ना, जो प्योर फॉर्म रहेगा, तो उसका एक पतला सा रॉड बना देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड बना देंगे, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी प्योर मेटल होगा ना, उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि दूसरा चीज़ प्योर है कि इम्प्योर है ना। तो हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल प्योर मेटल रहेगा उसका पतला सा इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो प्योर इलेक्ट्रोड जो हमारा रहेगा वो मेटल का बना रहेगा, उसी मेटल का बना रहेगा जो मेटल हमको चाहिए, ठीक है, जो मेटल को हम लोग को रिफाइन करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्योर मेटल का हमने पतला सा रॉड ले लिया और उसको हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक इम्प्योर मेटल का रॉड जोड़ दिया। इसमें वही मेटल आयन है जो उस पर जो हमको ज़रूरत है, जिसको हमको रिफाइन करना है। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इम्प्योर वाला जो हमारा मेटल का रॉड है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको सोलूशन में डुबो देंगे, है ना, सोलूशन में डुबो देंगे तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, आयंस में टूटेगा, है ना। तो इसको हम लोग सोलूशन में डुबो दिए। ओके हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉपर आयन को फिल्टर आउट कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉपर आयन को फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, है ना, कॉपर आयन को फिल्टर आउट करना है। अच्छा तो मान लेते हैं कोई भी हम लोग मेटल ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी मेथड से जो मेटल मिलता है हमको उसको प्योर करना है, रिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं हमको कॉपर को रिफाइन करना है, कॉपर मेटल हमको मिला है लेकिन उसमें भी कुछ अशुद्धि है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो उस इम्प्योर मेटल का हमने रॉड स्टेप दे दिया, उसमें इम्प्योरिटी है वो सॉलिडिफाई हो गया, उसको सॉलिड फॉर्म में रॉड के शेप में बना दिए, वो इलेक्ट्रोड बन गया, उसको जोड़ दिए पॉजिटिव टर्मिनल से, और हमारे पास जो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में वही मेटल का, इसी मेटल का प्योर फॉर्म जो अवेलेबल है उसको हमने पतला सा उसका रॉड निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ इसमें जो सोलूशन है ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सोलूशन है, ठीक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का इसमें सोलूशन है, ठीक। ओके अच्छा ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का इसमें सोलूशन है। देखिए अब इसमें एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड करते हैं तो हम लोग दोनों जो रॉड लेते हैं उसी मेटल का लेते हैं जिसको हमको रिफाइन करना है, जिसको हमको प्योर करना है। एक तो उसका शुद्ध वाला लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपर वाला कर रहे हैं तो ये भी कॉपर का रॉड है, ये इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, और ये हमारे पास प्योर है पहले से अवेलेबल। प्योर वाले को हमेशा निगेटिव टर्मिनल्स जोड़ेंगे, इम्प्योर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल्स से, पहली बात। उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रोड जिस सोलूशन में डिप होंगे वो भी इसी मेटल का ही सोलूशन होगा, इसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोलूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोलूशन मतलब ऐसा सोलूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, है ना, क्योंकि उसमें आयंस रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव आयंस। तो देखिए हम लोगों ने ये दोनों ही कॉपर का रॉड है, एक प्योर का एक इम्प्योर का, और यहाँ पर जो इसमें आयन सोलूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट सोलूशन वो कॉपर सल्फेट का, यानी उसमें भी कॉपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, चाहे कोई भी मेटल का हम लोग करेंगे तो वहाँ पे दोनों रॉड उसी मेटल का रहेगा, एक इम्प्योर एक प्योर, और उसका सोलूशन जो सोलूशन रहेगा वो भी उसी मेटल का रहेगा, यानी उसी मेटल के आयन रहेंगे, ठीक। चलिए
अब होगा क्या, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो इसमें तो सब सोल्यूशन उल्यूशन, जैसे स्विच ऑन किया ये कॉपर और सल्फेट आयन मूव करने लगेगा, है ना। कॉपर आयन और सल्फेट आयन बहुत तेजी से मूव करेगा। कॉपर आयन, कॉपर 2+, सल्फेट 2-, इस तरह से ढेर सारे कॉपर आयन और सल्फेट आयन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और किधर मूव करेंगे, जो प्लस आयन है कॉपर आयन, वो किधर मूव करेगा, निगेटिव टर्मिनल इस पे जाके अटैच होगा, ठीक। अब जैसे जैसे स्विच हम लोग ऑन करेंगे तो होता क्या है कि जो इम्प्योर रॉड है ये डीप रहता है काफ़ी अंदर तक, है ना, ये काफ़ी अंदर तक डीप रहता है। तो जैसे जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और ये इम्प्योर रॉड जो है, जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसमें से सोडियम सॉरी कॉपर आयन, जो भी मेटल आयन का ये रॉड है, वो निकल के सोलूशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से निकल के कॉपर आयन सोलूशन में आएंगे, और सोलूशन से होकर फिर किस पे जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल वाले रॉड पे, और इस पे आके इकट्ठा होने लगेंगे, है ना। तो ये जो सोलूशन एक तरह का माध्यम दे रहा है ताकि इसमें से जो सॉल आयन्स हैं कॉपर के वो निकल आए, ठीक। जितने कॉपर आयन है केवल इधर ही आते रहेंगे, बाकी इम्प्योरिटीज रहेंगी सेपरेट होती जाएंगी, ठीक। तो कॉपर आयन यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक। तो कॉपर आयन इस रॉड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे जहाँ तक ये डीप है, ओके। अब जब इसमें से कॉपर आयन लगातार निकलते रहेंगे हजारों लाखों की संख्या में, तो ये रॉड जो होगा थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। कॉपर आयन निकल ही गया इस रॉड में से, बचा इम्प्योरिटीज। तो दो तरह की इसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं, दो तरह की इम्प्योरिटीज कौन कौन सी रहती हैं, एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ऐसी इम्प्योरिटीज जो इस सोलूशन में मिक्स हो जाएगी, वो बैठेगी नहीं, सेटल नहीं होगी, और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज रहेंगी जो हैवी रहती हैं, ठीक है, वो मतलब उस सोलूशन में डिजॉल्व नहीं होंगी, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे एनोड के नीचे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म एनोड मड, एनोड मड, मड मतलब कीचड़, एनोड मतलब एनोड के नीचे कीचड़ जैसा कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जो कि इम्प्योरिटी है, इसी रॉड की इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब ये मतलब ये पहला स्टेप था, ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग अगर इसका चित्र बनाएं, दूसरे स्टेप में अगर इसका चित्र बनाएं छोटा करके, तो क्या होगा, ये पहला रॉड था, मान लीजिए पहला रॉड था और ये दूसरा रॉड उधर वाला, ठीक है ना। अब इधर वाला मोटा हो गया, इधर वाला पतला हो गया, है ना। तो ये कैसे हो गया, ओके प्लस सॉरी ये माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। और ये सलूशन है। तो जब लंबे समय तक ये प्रोसीजर होगा, ये सारा रिएक्शन चलता रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा इसमें से मेटल आयन निकल के सोल्यूशन में आएगा, और सोल्यूशन से होते होते आके इस रॉड पे अटैच हो जाएगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन में आएगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो रिडक्शन होगा, जैसे कि पीछे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी यहाँ होगा, और उसकी वजह से सारा मेटल आयन इस पे इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और इसलिए ये रॉड जो पतला था शुरू में, प्योर रॉड हमारा कॉपर का, वो मोटा हो गया, क्योंकि इसमें से कॉपर आयन इस पे आकर इकट्ठा हो गए, एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए। और इसमें रॉड में जो इम्प्योरिटीज थी, जो इनसॉल्युबल थी, मतलब जो घुलने वाली नहीं थी पानी में या सोलूशन में, वो नीचे जाके जम गई, है ना, यहाँ पे एनोड के नीचे, इसको एनोड मड बोलते हैं। और कुछ इम्प्योरिटीज रही होंगी तो वो इसी सोलूशन में मिक्स होंगी, जो मतलब सॉल्युबल होती है सोलूशन में, घुल मिल गई होंगी, और जो बड़े पार्टिकल इम्प्योरिटीज के वो यहाँ पे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, जी दैट इज नॉन एज एनोड मड। समझ में आया, क्लियर हुआ। इसको एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, आयन्स टूटेगा, ठीक है। जिस भी मेटल को हमको प्योर करना है या रिफाइन करना है, उस मेटल का दो रॉड लेंगे, एक इम्प्योर रॉड लेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रो जो भी प्रोसीजर करके मेटल प्राप्त किए हैं,
उसका रॉड बना देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी रहेंगी तो वो रॉड बना सकते हैं। रॉड बन गया, दूसरा रॉड, रॉड मतलब इलेक्ट्रोड वाला रॉड, और दूसरा जो है हम लोग प्योर मेटल, उसी मेटल का प्योर एक रॉड लेंगे पतला सा, ठीक। इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि प्योर वाला मेटल का रॉड निगेटिव टर्मिनल से जुड़े और इम्प्योर वाला जो है या गंदगी वाला जो रॉड है, मेटल मेटल भी है इम्प्योरिटीज भी है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको जितना भी इसमें प्योर मेटल है मतलब मेटल आयन है वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी ना वो निगेटिव पॉजिटिव आयन निगेटिव से मिलके रिड्यूस हो जाएगा और मेटल सारा इस पर चिपक जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमको हमेशा ही जिस रॉड पे हमको मेटल आयन चाहिए उसको हमेशा ही हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ताकि वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी हो, ठीक। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, सर्किट ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। इस सोलूशन में कॉपर सल्फेट का सोलूशन है, कॉपर आयन इसमें भी है। जैसे ही सर्किट ऑन हुआ तो इसमें से इस रॉड में से कॉपर आयन ढेर सारे निकलेंगे, सोलूशन में जाएंगे, सोलूशन से होते हुए इस रॉड पे जाएंगे, इस रॉड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस कैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैथोड पे, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होगा इस केस में देखेंगे, कॉपर आयन यहाँ से निकलेंगे। मान लीजिए इसमें कॉपर भी है, इम्प्योरिटीज भी है ना, कॉपर कॉपर और भी कई सारी इम्प्योरिटी से भरा है रॉड, तो यहाँ से कॉपर आयन, कॉपर निकला, आयनिक फॉर्म में हो गया, सोलूशन में आते ही आयन के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर आयन उस पर 2+4 होता है, 2 आयन हो गया, ठीक है। अब कॉपर प्लस आयन यहाँ आया निगेटिव टर्मिनल वाले रॉड पे चिपका। अब निगेटिव टर्मिनल वाले रॉड से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर 2+4 है तो इसको 2 निगेटिव चार्ज चाहिए, तभी जाकर बैलेंस होगा, न्यूट्रलाइज होगा और हमको मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में कॉपर, है ना, सॉलिड फॉर्म में कॉपर। वही सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय के बाद हमको मोटा सा ये इलेक्ट्रोड मिलता है, जिसमें हमारा सारा मेटल आयन डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये एनोड पे ये प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। कैथोड पे, सॉरी कैथोड पे ये होता है। अब एनोड पे क्या होता है ना, ये भी देख लें, इस वाले एंड पे क्या होता है इसको भी समझना है ना। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कॉपर है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखिए यहाँ पे कॉपर था मेटल, है ना, मेटल था, उसमें इम्प्योरिटी भी थी, ठीक। अभी मेटल के फॉर्म में था, यानी सी यू के फॉर्म में था, इसमें से क्या हुआ, प्लस एंड से जुड़ा है तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ में, ठीक। तो यहाँ कॉपर था, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोलूशन में आके कॉपर 2+ में जाएगा, फिर ये कॉपर 2+ आ गया कैथोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बैलेंस करेगा अपने आप को, प्लस माइनस नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल होगा और हमारा प्योर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। लंबे समय के बाद हम लोग देखेंगे तो क्लियर कट हमको डिफरेंस पता चलेगा कि स्टार्टिंग में हमारा इम्प्योर रॉड ठीक था, मोटा था, और बाद में हम लोग देखेंगे तो हमारा प्योर रॉड ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स कि कॉपर आयन जो भी हमारा रिक्वायर्ड मेटल है वो यहाँ से यहाँ डिपॉजिट हुआ है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, ठीक है, और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया कॉपर और कॉपर आयन में चेंज हुआ, यहाँ आया कॉपर आयन, फिर यहाँ से आ गया कैथोड पे, कैथोड पे फिर से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को फिर से रिड्यूस कर दिया, तो कॉपर से बना कॉपर आयन, कॉपर आयन से फिर कॉपर बना और यहाँ पे इकट्ठा हो गया ढेर सारा कॉपर, और दैट और उसी की वजह से हमको एक प्योर मेटल रॉड बड़ा सा मिल जाता है, यानी सारा जितने भी मेटल हमारे हैं कॉपर वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के द्वारा इस रॉड में तो इम्प्योरिटी भी थी, तो जितना मेटल आयन था वो तो इधर ट्रांसफर होता जाएगा इस रॉड पे, कैथोड वाले पे, और वो हमारा रॉड ठीक होता जाएगा। इससे क्लियर कट पता चलेगा कि आयन्स या मेटल आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं अगर वो हैवी रहती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैवी रहती हैं और सॉल्युबल नहीं होती हैं उस सोलूशन में, तो नीचे बैठ जाती, सेटल डाउन हो जाती हैं, और वो किसके नीचे बैठ जाती है, एनोड के नीचे, इसलिए उसको एनोड मड बोलते हैं, एनोड का कीचड़, एनोड का कीचड़, एनोड की गंदगी, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी उसी के नीचे हमको देखने को मिलती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है।
तो एनोड मट बोलते हैं। और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सोल्यूशन में मिक्स हो जाती हैं, तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक तो इनसॉल्युबल, वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, बाकी सोल्यूशन में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और इसी मेथड से लगभग सभी मेटल्स को रिफाइन किया जाता है और प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। बाकी और मेथड जो हम लोग पढ़े थे उससे मेटल तो मिल रहा था, बट अल्टीमेटली लास्ट में हमको उनको रिफाइन करना है, प्योर करना है, तो उसके लिए ये मेथड होता है। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए, ये जो इसमें मान लीजिए कई सारे इम्प्योरिटी हो गई, ये जो हमको मेटल आया, मेटल का रॉड मिला है जिसमें इम्प्योरिटीज है, इसमें जो इम्प्योरिटी यहाँ पे बैठ जा रही है वो क्या हो सकती है, वो होगी हमारी लो रिएक्टिव मेटल्स। क्या समझे? देखिए, जो मेटल्स बहुत ही कम रिएक्शन करता है वो क्या करेगा, ना सोल्यूशन में मिलेगा ना इस रॉड पे जाएगा, सीधे वहीं पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। यानी जो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस इम्प्योर रॉड में वो सब चीज़ें थी, हाई मतलब लो रिएक्टिव वाले मेटल्स, तो वो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि किसी से रिएक्शन करेंगे नहीं, तो नीचे धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे। जैसे जैसे कॉपर आयन इसमें निकल के ट्रांसफर होता रहेगा, वैसे वैसे इसमें से अदर जो मेटल हैं जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिनको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। और कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं इसमें मिली होती हैं सोल्यूशन में, है ना, इस सोल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज मिली होती हैं उनको बोला जाता है हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल्स। ठीक है, उनको बोला जाता है हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल। तो वो जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स आयन होंगे वो क्या करेंगे, इसी में मिक्स हो जाएंगे। मतलब हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल जहाँ भी उनको कुछ भी माध्यम मिलेगा उसी से रिएक्शन कर जाते हैं, तो वो सोल्यूशन में जैसे निकलेंगे सोल्यूशन में वाटर से और या किसी आयन से जुड़ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी बोला था ना कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने इसमें लिया था, तो कॉपर 2+ में टूटेगा और सल्फेट 2-, तो सल्फेट आयन से जो भी हाई रिएक्टिव वाले मेटल रहेंगे उससे रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे और उसी में सोल्यूशन में रहेंगे। ठीक, तो दो तरह की इम्प्योरिटी में जो एनोड मेट है वो क्या इंडिकेट करता है कि लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे सोल्यूशन में, नीचे बैठ जाते हैं, जिनको एनोड मेट बोलते हैं उस इम्प्योरिटी को। और जो इम्प्योरिटी सोल्यूशन में घुली रहती है, मिक्स रहती है, वो किसका इंडिकेशन दे रही है कि वो जो है हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो हमारे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो इसके माइनस आयन से रिएक्ट करके इसी सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से सोल्यूशन का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रिफाइनिंग ऑफ मेथड का आप डायग्राम सुंदर सा साफ सा बनाएंगे, एंड इस पे जो भी मैंने बताया एक बार उसको पढ़ लेंगे और ख़ुद से बना कर लिखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है।